तो गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ नमक पारे। और नमक पारे बनाने के लिए देखिए मैं आधा किलो लूँगी मैदा। तो चलिए मैं इसमें निकाल लेती हूँ। और एकदम खस्ता बनेंगे नमक पारे। ये मैंने आधा किलो मैदा ले लिए। अब हम डालेंगे इसमें नमक। अब हम डालेंगे इसमें घी जो हमने गरम कर लिया है। और साथ में रखा है गुनगुना पानी, हल्का गुनगुना है। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे हम। तो देखिए 1 चम्मच लेंगे अजवाइन, 1 छोटा चम्मच। अब हम इसे क्रश करके ऐसे डालेंगे इसमें। तो देखिए हम इसे, देखिए इसकी पहचान हम बताते हैं आपको कि हमने इसमें घी डाला है किस तरह से, बिल्कुल ठीक हुआ है ये देखिए। ये देखिए अब हम मुट्ठी बना के दिखाएंगे इसकी। अगर आपकी ये मुट्ठी बन जाती है इस तरह से तो समझो इसमें मोमन अच्छे से पड़ चुका है। ये देखिए इसको अच्छे से मिलाएंगे हम। देखिए अजवाइन डालिए हमने इसमें, नमक और घी का हमने मोमन डाला है इसमें। अब देखिए हम गुनगुना पानी से इसे अच्छे से मल लेंगे। तो देखिए अच्छे से हमने इसे गूंद लिया है। तो देखिए अच्छे से ये गूंद चुका है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इसको ढक देंगे हम। तो देखिए अब मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के सेव, जिसके लिए मैंने लिया है राजधानी बेसन। और मुझे इसका बेसन बहुत पसंद है, एकदम महीन होता है और बहुत इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। इसके पकोड़े इतने सॉफ्ट बनते हैं, इतने अच्छे, मतलब इसके अच्छी क्वालिटी का है ये। तो चलिए मैं बेसन के सेव बनाने जा रही हूँ। इसमें भी मैं अजवाइन आधा चम्मच क्रश करके डालूंगी। और नमक डाल देती हूँ इसमें। आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। और इसमें मैं काली मिर्च को कूट के थोड़ी सी डालूंगी। थोड़ी सी डालूंगी इसमें मैं काली मिर्च पीस के। तो चलिए मैं डाल देती हूँ इसमें काली मिर्च जो अभी मैंने पीसी है। और ये हींग डालूँगी एवरेस्ट की।
एक चम्मच डाल दी मैंने इसमें। तो देख सकते हैं सरसों का तेल मैंने गरम कर लिया है, मैं इसमें डालूंगी। तो देखिए मैंने इसमें तेल मिला दिया है। इसको भी मैं अच्छे से गूंद लेती हूँ। तो देखिए हमने सब मिला लिया है इसको। अब इसको भी देख लेते हैं, इसकी भी देखिए मुट्ठी बन रही है। इसमें भी अच्छे से हो गया मोमन, ये देखिए। इसमें भी हम गुनगुने पानी से इसे गूंद लेते हैं। होली पे जो भी मैं बनाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया। तो देखिए हमने इसको भी अच्छे से गूंद लिया, देखिए एकदम सॉफ्ट है ये। इसको भी हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो देखिए मैं इसको ढक देती हूँ। इसको 10-15 मिनट तक ढक के रखती हूँ ताकि अपने आप ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए 15-20 मिनट हो गए, देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए ये। अब हम इसे निकाल के सही कर लेते हैं। अब हम इसकी लोइयां बना लेते हैं फटाफट से। तो देखिए सब लोइयां तैयार कर ली मैंने। अब मैं इनको बेल लेती हूँ फटाफट। तो चलिए मैं यहाँ बेल लेती हूँ। सारी बेल के मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं कटिंग करूँगी इसकी। एक मैं और बेल के दिखाती हूँ आपको। तो चलिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। इसी तरह से मैं इसे काट के कढ़ाई में डालूंगी। अब हम घी को गर्म होने देते हैं। तो देखिए अच्छे से ये भुन चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ कचड़ी से। तो चलिए मैं इसमें डाल लेती हूँ ताकि इसका घी इसमें ही आ जाए सारा। आप देख सकते हैं देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ये और बहुत टेस्टी बने हैं ये। होली पे ये सब बनाने में कितना अच्छा लगता है। बच्चे वैसे बीच में भी मांगते हैं तो मैं बीच में भी कभी भी मन करता है
तो मैं बना देती हूँ होली पे, लेकिन स्पेशल बनता ही बनता है ये। कभी भी आप बच्चों को बना के खिला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि होली पे ही बनाएं, दिवाली पे बनाएं, आप ये कभी भी बना के अपने बच्चों को नाश्ता दे सकते हैं। तो देख सकते हैं, अभी ये ठंडे हो जाएंगे फिर मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। बहुत खस्ता बनते हैं ये, बहुत अच्छे। और होली पे ये सब त्योहारों पे बनाओ तो कितना अच्छा लगता है ये सब बनाने में। गैस में मंदी कर देती हूँ, इधर मैंने पेपर रखा है, पेपर पर डाल देती हूँ। देखिए तो देखिए, ये भी मैं डालूंगी इसमें ऐसे साइडों से, इस तरह से करना है। तो चलिए मैं इसे भी बना लेती हूँ। एकदम खस्ता बनते हैं ये। अब मैं इसके बाद आपको सेव बना के दिखाऊंगी। पहले मैं ये बना लेती हूँ सारे नमक पारे, फिर उसके बाद मैं सेव बना के आपको दिखाऊंगी वीडियो में। आप मेरी वीडियो में बने रहें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मतलब मेरी वीडियो कैसी बनी। मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो देखिए नमक पारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं सेव की तैयारी कर लेती हूँ। ये देखिए कितने खस्ता बने हैं, ये देखिए एकदम खस्ता है, एकदम बढ़िया। तो देखिए अब हम इसमें पानी लगाते जाएंगे और इसके सेव बनाएंगे। तो चलिए मैं मशीन निकाल लेती हूँ। तो देखिए कचरी बनाने वाले भी हैं इसमें, कचरी भी बना सकते हैं हम, नमक पारे भी बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन के हम बना सकते हैं। तो मैं इस समय लूँगी ये वाला खांचा, इस खांचे को लूँगी और मैं इसमें डालूँगी ऐसे करके डाल के, और फिर मैं इसमें डाल दूँगी बेसन जो मैंने पहले से मला हुआ है, और फिर मैं इसको ऐसे करके यूँ करके ऐसे ऐसे करके घुमाऊँगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसको मैं रख देती हूँ। तो देखिए इस तरह से हम लेंगे इसको, मैंने थोड़ा मुलायम कर लिया है पानी लगा लगा के। अब हम इस तरह से इसमें डाल देंगे। तो देख सकते हैं तेल गरम हो गया है, इधर मैंने पेपर रख लिया है।
तो इधर देखिए ये मेरे सेव भी तैयार हो गए हैं, एकदम खस्ता खस्ता बने हैं एकदम। देखिए खस्ता एकदम इतने मस्त बने हैं, एकदम बढ़िया। ये देखिए वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हुई कि वो जब उसे घुमाते हैं तो फिर दिक्कत होती है थोड़ी, तो अकेले मैं कर रही थी तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैंने वीडियो बना ली।